Hi guys, wish you a very very good morning. This is Aishi Joshi on the channel of TYS. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस लेते हैं, तो टुडे इज 24 अप्रैल एंड इट इज़ फ्राइडे टुडे एंड वी आर गोइंग टू टेक द हिंदू एडिटोरियल्स एनालिसिस टुडे. सो कौन कौन से फीचर्स हम कवर करेंगे, आज के जो कंटेंट रहेगा हमारा, कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करेंगे हम, तो रैपिड फेलियर्स, प्रोटेक्शन ऑफ और ऑफ प्रोटेक्टर्स ऑफ होगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टर्स, द COVID-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया एंड फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड हाउ विल इंडिया एमर्ज आउट ऑफ द लॉकडाउन. ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये 5 टॉपिक रहेंगे जो हम कवर करेंगे. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट किसके लिए है या टारगेट ऑडियंस कौन है हमारी, तो वो UPSC प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है. इसके अलावा जो भी लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोर्स. ठीक है, सो व्हाट विल द कवर्ड एरिया, मेडिकल इश्यूज जो चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं हेल्थ सर्वेंट्स, उनकी प्रोटेक्शन जो की है उसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे हम कुछ. इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करेंगे कि चाइना जो पॉलिसी अपना रहा है उसे इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, एंड सक्सेसफुल अपीयरेंस ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का जो COVID-19 की तरफ जो एक सक्सेसफुल अपीयरेंस रहा है उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, दिस आयशी जोशी. थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ डेली मॉर्निंग में जुड़ते हैं और मेरे इस वीडियो को देखते हैं, थैंक्स अ लॉट. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो. सो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल रहेगा वो है रैपिड फेलियर्स. क्या है रैपिड फेलियर्स, देखिए अभी आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली ये पता लगाया है, ये राजस्थान गवर्नमेंट के टेस्ट किट्स द्वारा पता चला है कि जो टेस्टिंग हो रही है उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मतलब जो टेस्टिंग किट्स हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे, मतलब वो किट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं और कंटिन्यू ये एरर बढ़ते ही चले जाए. तो ये जो सिग्निफिकेंट एरर्स आ रहे हैं जो कंटिन्यू COVID-19 के एंटीबॉडी के टेस्टिंग किट्स में देखने को मिल रहे हैं, ये अब इनको देखते हुए हमें ज़रूरत है सावधानी बरतने की, है ना. और ये बहुत चिंताजनक विषय है हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे, इवन इंडिया ने ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ ने टेस्टिंग किट्स परचेज कर रखे हैं, और उन टेस्टिंग किट्स के थ्रू ये बहुत सारे टेस्ट करने अभी बाकी है, और डे बाई डे COVID-19 के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. अब बढ़ते हुए केसेस में जो टेस्टिंग किट्स ऑलरेडी जो हमारे पास लिमिटेड था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग केसेस, है ना, तो उसके बेसिस पर ऑलरेडी हम लोगों को एक कह सकते हैं एक टेंशन था इस चीज़ का. लेकिन उसके बाद में अब ये पता चलना कि रैपिड टेस्ट जो हो रहे हैं, रैपिड ये जो टेस्टिंग किट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है, अभी प्रोवाइड करवाए गए हैं उन्हें, तो इन सब से जो एंटीबॉडीज़ जो है वो डिटेक्ट हो रही है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं हो रही है, बिल्कुल अपने आप को रिलायबल प्रूव नहीं कर पा रहा है ये कोरोना वायरस के प्रति. ठीक है, सो अब ये यहाँ जो है टुडे इज़ फ्राइडे एंड हम कह सकते हैं 3 मई को इट इज़ गोइंग टू गेट स्टार्टेड, हमारा नॉर्मलसी स्टार्ट होने वाली है. 3 मई को लॉकडाउन फिनिश होके 4 मई से एक नॉर्मलसी आने वाली है एटमोसफेयर में, वर्किंग एरियाज में. तो क्या 24 अप्रैल से 3 मई, मतलब करीब करीब हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 days के बीच में ये अचानक से ये न्यूज़ आना कि जो टेस्ट हो रहे हैं और जो टेस्ट किट्स यूज़ लिए जा रहे हैं वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, है ना, तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय हो गया है सरकार के लिए. गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग फॉर एन एक्यूरेट टेस्ट ब्लड किट, है ना, सो सॉरी किट, ब्लड टेस्ट किट, एंड दैट कैन टेल पीपल इफ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट COVID-19 इन्फेक्शन. तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वो वर्ल्ड वाइड जो है एक्यूरेट ब्लड टेस्ट प्रोवाइड करवा सके,
जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उनके पास में COVID-19 से गुजरने के लिए उनकी इम्यूनिटी कैसी है या क्या है, ये सारी चीज़ें पता हो सके ना। हाँ, तो एंड कैन देयर फॉर रिटर्न टू देयर ड्यूटीज़, और बिल्कुल वो अपनी ड्यूटीज़ पे वापस इकोनॉमी को किक करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ पर जा सके और अपना काम स्टार्ट कर सके। यहाँ एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है और वहीं दूसरी तरफ ये पता चला है कि डायग्नोस्टिक किट जो आ रहे हैं, जो टेस्ट किट जो हो रहे हैं RT-PCR के, जो कि नेजल स्वैब द्वारा आपके अंदर वायरस है या नहीं इसको देखते हैं, ये बिल्कुल भी कंसिडरेबल या हम कह सकते हैं बिल्कुल रिलायबल कंसिडर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सो इस तरह के जो टेस्टिंग किट्स जो बनाने की कोशिश की गई है ब्लड सैंपल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ब्लड सैंपल्स के थ्रू एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, पास्ट आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन हैव थ्रोन अप एरर्स इन एज मच एज थर्ड ऑफ केसेस। अ स्टडी ऑफ UK शोड दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी। एक स्टडी बताती है कि UK जो है वो अपने आप में बहुत हाई था इस स्पेसिफिसिटी के अंदर, है ना। मतलब उनका उनकी स्पेशलिटी थी कि वो बिल्कुल अच्छे से उसको कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे एक्यूरेट इन केसेस दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव। और उनके जो केसेस आ रहे थे वो बिल्कुल, जो भी केसेस आ रहे थे वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे थे, एक्यूरेट आ रहे थे, बट दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केस। लेकिन आज अब जब हमें पता चला है और बहुत सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी पता चली कि जो UK का दावा है एकदम अप्रोप्रिएट टेस्ट किट प्रोवाइड करवाने का, उसमें भी 30% तक पॉजिटिव केसेस ऐसे हैं जो कि मिस हो गए हैं, मतलब जो शो नहीं हो पाए कि ये केसेस पॉजिटिव है ना। सो इससे पता चलता है कि इनकी सेंसिटिविटी भी बहुत लो है। सो ये एक इंडिया के लिए चिंताजनक बात है कि एक दौर की तरफ, एक तरफ जहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ किट्स परचेज कर चुके हैं और ये हम लोग कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे किट्स और सब कुछ और अरेंज कर रखा है जिससे कि हम अपनी थर्ड मई के बाद में नॉर्मल सी लेकर आ सकें अपने कह सकते हैं इकोनॉमिक अपग्रेड या इकोनॉमिक को जो किक स्टार्ट करने के लिए, है ना। सो एंड इट एक्सपीरियंस इज शेयर्ड बाय दी US, UK, स्पेन एंड अदर कंट्रीज़। हमने ये जो हमारा जो टेस्ट हुआ है रैपिड टेस्ट के टिकट्स को लेकर, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसको लेके हमने और भी कंट्रीज के साथ शेयर किया। अच्छा, ये चीज़ हमें राजस्थान की लेबोरेटरी से पता चली कि COVID-19 पॉजिटिव केसेस नॉट बीइंग डिटेक्टेड, पॉजिटिव केसेस जो थे वो डिटेक्ट नहीं हुए हैं इन टेस्ट किट्स के थ्रू। सो सेवरल टेस्ट स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंटली ऑर्डर थाउजेंड्स ऑफ किट्स। अब सेवरल स्टेट्स ने क्या कर लिया था, बहुत हज़ारों किट्स जो है ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए थे, स्पेशली हमने ये चाइना से ऑर्डर किए थे। तो अब ये हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे ये किट्स हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, इन किट्स के भरोसे हम लोग लॉकडाउन क्लोज करके, लॉकडाउन ओवर करके और नए नॉर्मल से लाने की कोशिश कर रहे थे, या जिसके बेसिस पर हमने बहुत सारे ये कह सकते हैं कि केसेस टेस्ट किए हैं, अब उनमें 30% का पॉजिटिव नहीं आ पाना, कई सारे पॉजिटिव केसेस का सामने नहीं आ पाना, तो ये एक चिंताजनक विषय बन जाता है। और क्यों, क्योंकि ये बात हमारे लिए एक टेंशन की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि हम बहुत सारे क्राइसिस को फेस आउट कर रहे हैं और उसी दौर में एक नया क्राइसिस खड़ा होना जिसके बेसिस पर ही सब कुछ चल रहा था, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वैक्सीन और एंटीडोट ऑफ COVID-19। इन दैट केस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो ये था कि हम इसे टेस्टिंग किट्स के थ्रू टेस्ट करके और आइसोलेशन या अदर वेज के थ्रू इसे स्प्रेड होने से रोक सकते थे। अब जो बेस हमारे पास में था वही मिसिंग होने जा रहा है, वही हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है, ठीक है। सो द ICMR हैज़ एडवाइज स्टेट टू होम इट डिस्ट्रीब्यूटेड किट्स। अब ICMR ने उन स्टेट्स को जिनको जो है किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उन्हें ये एडवाइस दी है कि वो दैट दे कुड बी यूज फॉर सर्विलियंस किट, इनको सर्विलियंस किट्स के रूप में यूज़ लिया जाए, ना कि मेडिकल इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं तो इन किट्स के बेसिस पे नहीं लेंगे, सिर्फ आप चेकिंग टेस्टिंग कीजिए, वो सब चीज़ें चल रही है, लेकिन मेडिकल इश्यू से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप यहाँ पे इससे जो इन टेस्टिंग किट्स के बेसिस पर नहीं ले सकते, है ना। नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मैथड्स इज अ चैलेंज। अब ये जो मैथड्स हम यूज़ ले रहे हैं उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके इसको कम करने की,
पेंडेमिक को, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया है. एंड द WHO अलोंग विथ इट्स कोलेबरेटिंग सेंटर्स इज़ वर्किंग इन टू आइडेंटिफाई दैम. और WHO के साथ और भी जो सेंटर्स हैं उससे रिलेटेड हेल्थ सेंटर्स, वो सभी ये इस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. So the result will be crucial for and all countries including the US White House coronavirus task force are looking at serosurveillance and the process that will determine the status of the population on COVID-19. अब सभी लोग, इवन US की जो जो वाइट हाउस जो टीम है जो COVID-19 पर कार्य कर रही थी, अब सभी लोग बड़ा ही चिंताजनक परिस्थिति में आ गए हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए, है ना, कि हमें ये कंटिन्यू रखना चाहिए टेस्टिंग को या नहीं रखना चाहिए. तो इससे जो है हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि लोगों की पॉपुलेशन की COVID-19 पर क्या स्टेटस हो सकता है. इसको लेके एक बहुत चिंता का विषय खड़ा है सारे देशों के सामने. सो एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन एंड अदर पीपल हेल्थ मेजर्स डिपेंड ऑन सच टेस्टिंग. हम मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग COVID-19 इस लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलने के लिए या अदर मेजर्स के लिए हम लोग इसको टेस्ट किट्स को ही अपना आधार मानकर चल रहे थे, है ना. सो अब इंडिया को ये होना चाहिए कि इंडिया फोकस करे उन टेस्टिंग किट्स पे कि वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं, ठीक है. सो दिस रिक्वायर्स क्लोज इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक्स रेगुलेटर्स इन द US. सो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम फोकस करें उन सारे आइडेंटिफाई केसेस पर, टेस्ट पर, जो कि अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हमने जिन टेस्ट को देख रखा है, ठीक है. इससे इसके लिए हमें डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स जो है वो US में लॉन्च करने चाहिए, ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हम उनके साथ मिलकर, US, यूरोप, चाइना, इनके साथ मिलकर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन के तहत हम लोग कुछ किट्स उनका निर्माण करें या कुछ ऐसा कुछ करें जिससे कि हम जो है डायग्नोज इजीली कर सकें, ठीक है. एंड हैव यू हैव यूज्ड इमरजेंसी प्रोविजन टू अलाउ अर्लियर यूज़ ऑफ किट्स. और किट्स को यूज़ करने पहले जब यूज़ किया गया था इन US, यूरोप और चाइना द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने जो इमरजेंसी प्रोविजंस लागू किए थे वो हमें भी लागू करने की या समझने की ज़रूरत है, ठीक है. सो देर आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटिंग दैट Some vendors of rapid testing devices in China have run afoul of regulators in that country since they have no prior expertise in the field. अब चाइना, जिसका कि इस फील्ड में ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा प्रायोरिटाइज नहीं है या कोई प्रायर मतलब बहुत वो कह सकते हैं कि कोई बहुत प्रैक्टिस एक्सपर्टाइज नहीं है या कोई प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उन्होंने, उस बेसिस पर उस कंट्री से इस तरह के परचेज करना, ये एक थोड़ा सा चिंताजनक बात आ गई सारी कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने ऑलरेडी उन्हें ऑर्डर दे रखा है ना, और जो मेक परचेज का डिसीज़न ले चुके हैं. तो उनके लिए पीछे हटना या कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी इफ़ेक्ट करे COVID-19 के साथ में, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आकर खड़ी हो गई है. इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट द मैसेज शुड गो आउट द स्टेट दैट रैपिड टेस्ट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर RT-PCR टू डायग्नोज इन्फेक्शन. अब अगर हम बात करें कि अब क्या करना चाहिए हमें, तो सबसे पहले तो हमें सारे स्टेट्स को ये बात फैलानी होगी, इवन बाहर भी अदर कंट्रीज़ को ये बात बतानी होगी कि ये जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं इनसे वो रिजल्ट्स नहीं डायग्नोज हो रहे हैं इन्फेक्शन के जो होने चाहिए, ठीक है. So it is by no means clear that antibodies developed in response to COVID-19 provide long-term protection against reinfection. अब देखिए ये इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर दैट एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ है जो डेवलप की गई है हमारी बॉडी के अंदर, वो COVID-19 से लड़ने के लिए किस हद तक आगे तक जाएगी इसका कोई श्योरिटी नहीं है, है ना. येट अ गुड टेस्ट टू क्लैरिफाई द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी सीम्स टू बी प्रोमिसिंग टूल टू री ओपन द इकोनॉमी विथ सम कॉन्फिडेंस. तो अब ये ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन मार्क आता है भाई क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, तो वी नीड टू वर्क ऑन वॉट वी वॉन्ट. ओके, हमें जो चाहिए, हमें जिसकी ज़रूरत है, हमें जिसकी नीड है, हमें उसी पर कार्य करना होगा. और
कॉन्फिडेंस के साथ में इकोनॉमी बिल्डअप करने के लिए जो स्टेप लिया गया है लॉकडाउन ओपन करने का, और उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो होगा कि हम खुद को जो है डेवलप करें इस क्षेत्र में और लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि टेस्टिंग किट्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। उसको देखते हुए वी नीड टू वर्क ऑन आर स्ट्रैटेजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स। देखिए ये एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, कि अभी और मुझे पर्सनली, मैं जब इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे भी बड़ा मैं कह सकती हूँ बहुत टचिंग फील हो रहा है और बहुत गिल्ट फील हो रहा है दैट मैं एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट हूँ, है ना। बिकॉज हेल्थ वर्कर्स शुड बी अलाउड टू वर्क इन एन एनवायरमेंट फ्री ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़। अब हम सभी जानते हैं कि सारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सभी सब हेल्थ वर्कर्स जो हेल्थ के लिए हमारे लिए कार्य कर रहे हैं वो सब लोग ऑलरेडी, अच्छा अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये इशूज़ देखने को मिले कि लोग जो है, पब्लिक है, आम जनता, वो मिसबिहेव कर रही है, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स ले लो, डॉक्टर्स वगैरह ले लो, नर्सेज एंड ऑल, या फिर पुलिस ले लो, मतलब जो भी इस पेंडेमिक के दौरान COVID-19 से आपको बचाने के लिए, आपकी मदद के लिए आगे आया है, आप उनके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सही है? किस हद तक ये चीज़ सही है, ये चीज़ जो है आज हम स्टडी करेंगे। और बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं हम उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे या फिर एक वॉयलेंस और अब्यूज़िव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये एक टेंशन वाली बात है जो अभी रिसेंटली देखने को मिला। देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन का केस करीब जनवरी एंड में आया था, ठीक है, रिपोर्ट किया गया था। तो मैनी हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू अब्यूज एंड वायलेंस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अब उसके बाद से अब तक कई सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हो चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनके साथ में ड्यूटी के दौरान गलत चीज़ें, अब्यूज़ या वायलेंस किया जाता है। सो अधिकतर जितने भी अटैक्स हुए हैं इन सब पर वो जो है नॉर्मल आम जन द्वारा किए गए हैं, है ना, और उन सारे लोगों द्वारा किए गए हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं और जिनके कांटेक्ट में आने से पॉजिटिवली इन लोगों को भी वायरस हो सकता है, हेल्थ वर्कर्स को भी हो सकता है। तो क्या हमें इस चीज़ में सावधानी बरतने की ज़रूरत है या हमें नेगेटिवली बिहेव करने की ज़रूरत है? इवन कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं ना, उन्हें ये मना कर दिया गया कि अपने घर नहीं जाएंगे। इन सम केसेस इवन आस्क्ड टू वैकेट देयर प्रीमाइसेस। इवन कुछ जगहों पर तो डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स को उनके जहां पे वो रह रहे हैं वो जगह ही खाली करने को बोल दिया गया है ना। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये बहुत वाइड लेवल पे बढ़ती चली जा रही है और ये किसी ना किसी तरीके से इन्हें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। और ये सारी चीज़ें, चलिए इम्पैक्ट इज़ अ सेकेंडरी मैटर, उन हेल्थ वर्कर्स और पुलिस डिपार्टमेंट या स्पेशली हेल्थ वर्कर्स का अगर ये कॉन्टेक्स्ट है तो मैं उनकी बात करूँगी कि उनके साथ में क्या बिहेव कर रहे हैं आप, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही के लिए खड़े हैं, वो आप ही के लिए अपने घर, फैमिली, सबको छोड़ के सबसे दूर रह रहे हैं। इतना टाइम हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं करीब और इवन ज़्यादा ही, लेकिन वो लोग अपने अपने घरों से दूर हैं। उसका रीज़न क्या है? टू प्रिवेंट यू गाइस, ओके। और अगर आप ही उनके साथ में गलत बिहेव करेंगे तो ये बिल्कुल किसी लेवल पर भी बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत शर्मनाक बात है ये हमारे लिए, ठीक है। सो फ्यू पीपल इन चेन्नई वो हु नॉट ओनली अटैक्ड, अच्छा ये बात कब सामने आई? जब बहुत ही गंदी घटना घटित हुई, उसके बाद से एक ऑर्डिनेंस भी पास किया गया। तो इसके तहत चेन्नई में कुछ लोगों द्वारा कुछ हेल्थ वर्कर्स पर जो है गलत हरकतें की गई। इवन उसकी घटना की वजह से एक न्यूरो सर्जन को COVID-19 भी हुआ और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई, है ना। तो इससे पूरा देश जो है बहुत टेंशन में आ गया। ये करीब अप्रैल 19 की बात है और पूरे देश को हिला कर रख दिया इस घटना ने। तो ये एक बहुत कैबिनेट ने लेट ही सही, लेकिन एक यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन ज़रूर लिया कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे रिगार्डिंग एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत। उन्होंने एक
कह सकते हैं ऑर्डिनेंस पास किया है, अमेंड किया है, जिसके तहत वॉयलेंस जो भी करेगा मेडिकल पर्सनल के साथ में या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, वो वॉयलेंटली बिहेव करते हैं या कोई भी ऐसा अब्यूज़ हरकत करते हैं, तो उनको ये एक नॉन अनबेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्राइम है, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी इस केस में, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी, अगर कोई भी डैमेज, लॉस या इंजरी होती है पर्टिकुलर पर्सन के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ में, तो उसके उसको बिल्कुल न्याय मिलेगा, उसको उसके लिए जो भी कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट वो करवाया जाएगा, ठीक है। सो वेरी ऑफन द अब्यूज़ एंड वॉयलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 इन द कंट्री हैज़ बीन ड्यू टू फेयर एंड इग्नोरेंस। अब ये देखने को मिला है कि ये जो चीज़ घटनाएं घटित हो रही है ये किस कारण हो रही है, ये एक फेयर या इग्नोरेंस के कारण हो रही है। अच्छा, हमें बेस में जाना, किसी भी चीज़ की तह पर जाना बहुत ज़रूरी होता है, हम हवा में बातें नहीं कर सकते हैं एंड एडिटर्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, ये जो घटना घटित हो रही है, ये जो अब्यूज़ या अब्यूजिव जो लैंग्वेजेस यूज की जा रही है या उनके साथ जो नेगेटिव बिहेव किया जा रहा है, उनके उनको जो वायलेंटली बिहेव किया जा रहा है उनके साथ, तो ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि जो उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जो कल्प्रिट है, उनके अंदर एक फियर है या इग्नोरेंस है ना। और स्पेशली ये कम्युनल बेसिस पर अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला, मिड मार्च में जो तबलीगी जमात से रिलेटेड जो हुआ निजामुद्दीन में, और उसके अंदर सभा बुलाई गई और वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया कि ठीक है, आप लोग अपने अपने घर पे रहिए और हम लोग खुद आपके गेट पर आएंगे हेल्थ वर्कर्स, और हम आपके टेस्ट लेंगे, ठीक है, हम आगे से चल के टेस्ट लेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए जिसमें ये देखने को मिला कि लोगों के अंदर आइसोलेशन को लेकर या स्टिग्मा को, अगर एक जो फियर ऑफ स्टिग्मा देखने को मिला, आइसोलेशन रिजल्टेड इन अटैक्स ऑन। अब जब आइसोलेट किया गया और हेल्थ वर्कर जब गए उनके घर टेस्टिंग के लिए या उनके जो सैंपल्स लेने के लिए, तब उनके साथ में मिसबिहेव किया गया है ना। और अगर इन अदर इंस्टेंस की बात करें, और दूसरी तरफ द रॉन्ग मैसेजिंग दैट गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस मीन्ट सर्टेन डेथ इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम कंप्लायंस विद द शटडाउन अनविटिंगली लेड बाय टू अ फियर साइकोसिस। ओके, तो ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि एक डर है हमारे दिमाग में जो हमने बैठा लिया है खुद को लेकर, कि हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है या हमें एक कम्युनिटी बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, एक कम्युनिटी को पॉइंट आउट किया, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, आप खुद ऐसी कुछ इंसिडेंट्स कर रहे हैं जिससे कि ये सारी हरकतें या ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, आप खुद मौका दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्थ वर्कर के साथ में ऐसा, अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप घर रहिए और टेस्ट आपके डोरस्टेप आकर और हेल्थ वर्कर्स करेंगे। हेल्थ वर्कर्स जो कि बहुत बहुत मुश्किल से अपॉइंट होते हैं और बिल्कुल अपने 100% देकर के सामने आए हैं, तो वो लोग आपको हेल्थ चेकअप के लिए आपके घर पे आ रहे हैं, आपको होम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, और उसके बाद में अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके साथ में वॉयलेंटली बिहेव करते हैं या अब्यूजिवली बिहेव करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी पॉइंटिंग आउट, यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसा ना हो कि देखिए, ये जो है, ये इस तरह की हरकतें, कुछ लोगों की ऐसी हरकतें एक मास लेवल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जैसा कि HIV एड्स के तहत भी हुआ था, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं किया गया लोगों को, उसको लेके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, नेगेटिव मैसेजिंग मिली और स्टीरियोटाइप हो गया था सब कुछ, किसके बारे में, HIV के बारे में, ठीक है। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर फोर्स्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स ट्रीटिंग पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद द हाईली इन्फेक्शियस वायरस एंड इवन व्हेन प्रोटेक्टिव गियर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लव्स। अच्छा, जिन लोगों को आपके आपके लिए लगाया जा रहा है ना, हेल्थ वर्कर्स को, उनको सारा सारा दिन काम करना हो रहा है, एक लंबे अंतराल में उनको कार्य करना हो रहा है, एक पूरा ड्यूरेशन, बहुत लॉन्ग आवर्स तक उन्हें वर्क करना है कंटिन्यूसली, कोई रेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो भी ऐसे एरिया में जो हाईली इन्फेक्टेड एरियाज है ना,
तो और उसके बाद भी उनके पास में ग्लव्स, मास्क या जो जो पर्सनल प्रोटेक्शन केयर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी कमी होना, इन सब चीज़ों से उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इवन सोसाइटी और सोसाइटी के सपोर्ट की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस दौरान हमारा ये सारी हरकतें करना काफ़ी हद तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और ये खुद शो करता है कि आप अलग हैं क्योंकि आपने ऐसा बिहेव किया। ठीक है, ये जो हमने बहुत सारे गेस्चर्स, सिंबॉलिक गेस्चर्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश की, जैसे कि क्लैपिंग हैंड्स और लाइटिंग कैंडल्स, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल सेल्फलेस सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके तहत की हमने एक का हम कर रहे हैं समय समय से, लेकिन ये एक सिर्फ नैतिकता नहीं है। नैतिकता है उन्हें समझना, उन्हें सपोर्ट करना और उनके साथ में अभद्र व्यवहार ना करना। ठीक है, तो ये एक हमने लिया था जो कि मेडिकल अवेयरनेस से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। देखिए, ये हमने डिटेल्ड आर्टिकल लिए जो इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट है कोविड-19 की साउथ एशिया, कोविड-19 के दौरान साउथ एशिया का जो सिनेरियो है उसके बारे में बात किया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, साउथ एशिया और इवन इंडिया जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे इस आर्टिकल में। ये आपको खुद से करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है इस आर्टिकल में कि भाई कैसे जो है ये साउथ एशिया बिल्कुल अलग जा रहा है, कोविड-19 का इम्पैक्ट इतना इतना इफेक्ट जो हमारे ऊपर नहीं पड़ पा रहा, जबकि US में और हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेन में, चाइना में बहुत बहुत हाई लेवल इम्पैक्ट देखा गया है, लेकिन इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। उसका क्या रीज़न है, साउथ एशिया के इस सिनेरियो का क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें आप इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, ये आपको खुद से पढ़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी आप एक बार रीड करेंगे, मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखिए, अब हुआ क्या है, चाइना क्योंकि नॉर्मलाइज कंडीशन में आ चुका है, मतलब वैसे वहाँ पे केसेस फिर से आ रहे हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि चाइना जो है आउट ऑफ द लीग जा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। अब उससे दूसरे देशों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या खतरा होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस आर्टिकल पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि कहीं चाइना का वापस से इस क्रेडिटेबिलिटी को शो करना, खुद को जो है क्रेडिटेबल शो करना या क्रेडिट्स लेने का एक वो क्रिएट सिनेरियो क्रिएट करना, तो इसके तहत दूसरी कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे या नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे, क्योंकि चाइना में भी अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। अपने इमेज को जो है फ्लोरिश करने के लिए, अपने इमेज को रीजनरेट करने के लिए चाइना द्वारा ये जो सब जो हरकतें की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक नेगेटिव जो है एस्पेक्ट क्रिएट कर दे। ठीक है, सो आपको ये खुद पढ़ना है। दिस जस्ट लाइक अ स्टोरी, और मैं कह सकती हूँ बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हाउ विल इंडिया इमर्ज आउट ऑफ द लॉकडाउन। अब हम लोग कैसे लॉकडाउन से बाहर आना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अब हम लॉकडाउन से बाहर जहाँ भी वायरस का दौर है, देखिए पेंडेमिक इतना इजीली ख़त्म नहीं होगा, कोविड-19 इतना इजी ख़त्म होने जैसी चीज़ नहीं है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग इतने टाइम तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते, इतने टाइम तक इकोनॉमी को शट डाउन करके नहीं बैठ सकते। फॉर दैट वी हैव टू कम आउट, फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर वर्क, वी फॉर दैट वी हैव टू वर्क अलॉट। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग हमारी होगी 3 मई के बाद में, मतलब 4 मई से, तो उससे जो है उस समय हमें किन सिनेरियोज़ को, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिलीफ बजट क्या क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आर्टिकल है और बहुत अच्छा आर्टिकल है, और आपको इजीली समझ में आएगा। एक बेसिक क्वेश्चंस काफ़ी कुछ क्लियर किए गए हैं हमारे एडिटर्स द्वारा, रितिका खेरा और गिरधर आर बाबू सर द्वारा, बहुत अच्छे इन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस एडिटोरियल को बहुत अच्छे से पढ़ें जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट, ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से दैट आंसर राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है,
So thanks for being with me. This was Aishi Joshi. Again, I'll be here with you by tomorrow with a new article or editorial analysis. Okay, bye-bye. Take care. Have a great day.